हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बिना तंदूर और अवन के नान की रेसिपी। सबसे पहले हम डो बना लेंगे। एक बोल में मैंने 3 कप मैदा ले लिया है, उसमें मैं 1 टीस्पून चीनी डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, पाव टीस्पून बेकिंग सोडा, दो टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और 2 टेबलस्पून दही, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले और गुनगुने पानी के साथ एक नरम आटा गून लेंगे। नान का डो अब रेडी हो चुका है। इसे मैं ऊपर से थोड़ा तेल ब्रश करके रख रही हूँ और इसे हम ढक के 1 घंटे के लिए साइड में रेस्ट होने देंगे। नान का डो अच्छे तरह से रेस्ट हो चुका है। एक छोटा सा पेड़ा लेके ऐसे रोटी के जैसे हम बेल लेंगे, सब साइड से पतला करते हुए, ऐसे गोल गोल घुमाते हुए, जैसे हम रोज़ की रोटी बेलते हैं वैसे ही आटा लगाते हुए। इस पे मैं थोड़ा सा कलौंजी के दाने लगा दूंगी और थोड़ा सा कटा हरा धनिया, और इस पे थोड़ा हम बेलन से रोल कर देंगे ताकि दोनों अच्छी तरह से चिपक जाए नान पे। और नान की उल्टे साइड पे हम पानी से थोड़ा ब्रश कर देंगे, क्योंकि इसे हम कढ़ाई में बना रहे हैं तो ये पानी कढ़ाई में उस चिपकने में हेल्प करेगा। कढ़ाई मैंने पहले से गरम करने रख दी थी। आप लोहे की कढ़ाई लीजिए, नॉन स्टिक पे चिपकेगा नहीं। और इसे मीडियम हीट पे एक साइड से पकने देंगे, इसे बबल्स आते हुए, और फिर एक पकड़ की हेल्प से हम कढ़ाई को फ्लेम पे उल्टा कर लेंगे पकाने के लिए नान को। ऐसे 2-3 मिनट अच्छी तरह से घुमाते हुए सारे साइड से नान को पका लेंगे। नान अब अच्छी तरह से पक चुका है, इसे हम करछी की हेल्प से निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए नान कितने अच्छी तरह से बन गया है बिना तंदूर और अवन के। इस पर थोड़ा सा मेल्टेड बटर आप ब्रश कर दीजिए दोनों साइड से, और ऐसे ही हम सारे नान तैयार कर लेंगे। दोनों साइड से हम थोड़ा थोड़ा बटर ब्रश कर देंगे। नान अच्छी तरह से हमने तैयार कर लिए हैं। इसे आप वेज या नॉन वेज ग्रेवी के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही डिलीशियस लगेगा दोनों ग्रेवीज के साथ।
आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।